चलो ये तो हो गया। अरे वाह, मेरा नया घर तैयार हो गया, इसमें दरवाजा भी है। क्या बात है शिशि मानो, तुम्हारा नया घर बहुत अच्छा है। शिशि मानो, ये सब पापा की कारपेंट्री का कमाल है। अरे तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। शिशि मानो जरा अपने घर में जाकर देखो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन अगर मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मुझे बहुत शर्म आएगी। ठीक है ठीक है, चलो बच्चों हम सब दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, मैं अपने नए घर में जाकर बैठता हूँ। टाटा। शायद इसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बचाओ, जल्दी कोई आवाज आ रही है। मम्मी। जल्दी बचाओ। ओह नो। शुक्रिया हथौड़ी, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन मम्मी आप कर क्या रही थी? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इस शेल्फ पर धूल साफ कर रही थी जिसे पापा ने बनाया था, लेकिन अचानक वो गिर पड़ी। है? भला ऐसे कैसे हो सकता है? पर ऐसा ही शेल्फ हुआ है। को ऐसे नहीं गिरना चाहिए था, कहीं तुमने इस पर कुछ रखा तो नहीं था? कैसी बातें कर रहे हैं, अगर शेल्फ पर सामान नहीं रखेंगे तो और क्या रखेंगे? अक्सर बेतुके सवालों के बेतुके जवाब मिलते हैं। पापा, जहाँ तक मुझे याद है वो चेयर भी आपने ही बनाई थी, है ना? सही कहा, लेकिन वो चेयर इतनी भी कमजोर नहीं थी कि शिंजो के बैठने मात्र से ही टूट जाए। क्यों शिंजो, कहीं तुम इस चेयर पर उछल कूद तो नहीं कर रहे थे ना? उछल कूद करना था, रोल में तो बैठ भी नहीं पाया था। ओह अच्छा। वैसे पापा मुझे तो लगता है कि आप कारपेंटरी में उस्ताद नहीं है। शिशि मानो, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा कहनी चाहिए, ये तो बताओ क्या तुम्हें याद है कि पापा ने कुछ दिन पहले तुम्हारे लिए एक बुक शेल्फ बनाया था? हाँ। तो क्यों ना हम चलकर अभी उसमें तुम्हारी किताबें सजाएं? अच्छा आइडिया है, चलो चले। इतना सब देखने के बाद भी तुम ऐसा करोगे क्या? इसमें बहुत टेंशन है। चिंता मत करो, वो नहीं टूटेगी। हाँ सही कहा मेरे बेटे, उम्मीद तो यही है। पापा ने इतनी सारी चीजें बनाई लेकिन कुछ काम की नहीं। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ, चलो। मुझे तो कहनी चाहिए कि बहुत चिंता हो रही है। और मुझे भी। ये क्या? ये भी हमें पता था। और उसके बाद? इतना सब होने के बाद अपनी कारपेंट्री से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया है, लेकिन ये टेबल सबसे अलग है और ये बाकी चीजों की तरह जल्दी नहीं टूटेगी। अपनी बनाई टेबल पर जूस पीने की बात ही कुछ और है। मम्मी ठंडा जूस लाना। अभी लाती हूँ, ये लो। अरे शुक्रिया। ये क्या हुआ? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो ना अब मैं एक टेबल तक नहीं बना सकता, लगता है अब मैं कारपेंट्री नहीं कर सकता, अब मुझे कार पेंट करना शुरू कर देना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सो लेता हूँ। पापा आप भी ना। पापा का हुआ कबाड़ा। मतलब कि पापा का अपनी कारपेंटरी से भरोसा उठ चुका है और तब से वो बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं, है ना? ऐसा ही हुआ है। ये तो होना ही था, उन्होंने जो भी चीजें बनाई कितनी जल्दी टूट गए, है ना शिशि मानो? सही कहा तुमने। अब बस भी करो, पापा के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि कारपेंटरी पापा की सबसे फेवरेट हॉबी है, उसमें उन्हें बड़ा मजा आता है। हाँ सही कहा तुमने, अगर उनका अपनी फेवरेट हॉबी से भरोसा टूट गया तो उनके दिल दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और फिर वो कोई भी काम मन से नहीं कर पाएंगे। मुझे भी यही लगता है। ऐसा हो सकता है क्या? इसमें कोई शक नहीं है। हमें कुछ करना होगा ताकि पापा का खोया भरोसा वापस आ सके और वो फिर से अपनी फेवरेट हॉबी में अपना मन लगा सके। सही कहा तुमने, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई निंजा टेक्निक नहीं है क्या? डिंग डिंग, कैनिची तुम मुझ पर भरोसा रखो। हथौड़ी तुम कमाल हो। हथौड़ी का जवाब नहीं। और फिर उस रात ये हुआ। डिंग डिंग, ठीक करने के निंजा टेक्निक। अब कील लगाने के निंजा टेक्निक। और अब कील ठोकने की निंजा टेक्निक। अब इसे हाथी भी नहीं तोड़ पाएगा। भूख ठीक करने की निंजा टेक्निक। अब ये एकदम ठीक हो गया है। गम से फौरन चिपकाने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग, और अब कील ठोकने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिं
किताबें लगाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। मेरी कारपेंट्री की वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, इसलिए मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि वो शेल्फ और हा? और ये चेयर भी मेरे ख्याल से शीशी मानू का घर टूट गया था। हेलो पापा, आपने मेरा घर सॉलिड बनाया है। अच्छा, तो वो सब मेरा सपना था और कुछ नहीं। अरे वाह, मेरी कारपेंट्री का जवाब नहीं। पापा को फिर से अपनी कारपेंट्री पर भरोसा हो गया है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हथौड़ी। डिंग डिंग। पापा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे वाह पापा, आपका जवाब नहीं, आपने तो कमाल कर दिया। अरे ये तो मुझे पहले ही पता था, कारपेंट्री तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल, आप सच में बहुत अच्छे कारपेंटर हैं पापा। और इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगले संडे मैं गार्डन में बैठने के लिए बेंच बनाऊंगा। पापा और केनिची दोनों एक जैसे हैं, जल्दी ही जोश में आ